मॉर्निंग एवरीवन, आज की हमारी वीडियो लेमन ट्री पे होगी कि उन्हें हम पॉट में कैसे उगा सकते हैं। तो मैंने अपने टेरेस गार्डन पे ही दो पॉट में लेमन ट्री लगाए हैं, जो कि मैंने करीब एक साल पहले एयर लेयरिंग से बनाए थे। तो देखते हैं कि उसमें कैसे उसकी ग्रोथ कैसे हो रही है। तो ये हमारा फर्स्ट प्लांट है, इसमें दो लेमन यहाँ लगे हैं। इसमें टोटल अभी 10 लेमन्स लग रहे हैं, दो छोटे से ये हैं, दो ये हैं, तीन लेमन यहाँ पे लगे हुए हैं और तीन लेमन ये लगे हुए हैं। तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है, करीब करीब इसकी एज 1 ईयर के करीब है। मैंने ए लेयरिंग से बनाया था, मेरा एक नीचे गार्डन में एक बड़ा सा लेमन ट्री है, उससे मैंने इसे ए लेयरिंग से बनाया था। तो मैं वो भी इस वीडियो में बाद में मैं दिखाऊंगा आपको। पॉट में लेमन ट्री ग्रो करने के लिए हमें देखना है कि पहले तो हमारी जो सॉइल है, जो हमने सॉइल यूज़ करी है, वो वेल ड्रेन्ड सॉइल हो, उसमें पानी बिल्कुल भी रुके ना वो। और उसमें हमें फर्टिलाइज़र हर एक महीने के बाद, 1 मंथ के बाद उसमें ऐड करना है, जिससे कि प्लांट की जो हमारी ग्रोथ है वो रुके ना और उसमें जो फ्रूट हैं वो मतलब अपने सीज़न पर लगते रहें। तो आइए अब मैं आपको अपना दूसरा प्लांट दिखाता हूँ, जो कि मैंने दूसरे पॉट में लगाया हुआ है। आइए देखते हैं। ये मेरा दूसरा प्लांट है, जो कि मैंने एक पॉट में लगाया हुआ है। इसकी एज करीब करीब 1.5 साल है। तो इसमें देखते हैं कितने लेमन लगे हुए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, इसमें अभी 11 लेमन लगे हुए हैं। तो ये भी मैंने ए लेयरिंग से बनाया था, जो कि मेरा एक बड़ा प्लांट नीचे ज़मीन में लगाया हुआ है, उससे ही मैंने ये ए लेयरिंग से बनाया था। तो इसमें अभी नए नए फ्लावर भी आ रहे हैं, देखिए। और एक तो ये मैं आपको जो मैंने ज़मीन में प्लांट लगाया हुआ है लेमन का, इसमें कि बहुत सारे लेमन लगते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो आइए मैं आपको जो हमारा लेमन ट्री ज़मीन में लगा रखा है वो दिखाता हूँ। ये करीब करीब 15 फुट का ट्री है, इसमें अभी काफ़ी सारे लेमन लगे हुए हैं। दो ये लगे हुए हैं, एक ये है, एक ये लगा हुआ है, काफ़ी गुच्छे में यहाँ पे लगे हुए हैं और काफ़ी बड़े बड़े लेमन हैं। देखिए देखिए ये देखिए, इसकी एज 7 to 8 years है। देखिए एक मैं आपको तोड़ के भी दिखाता हूँ। ये देखिए, अभी 2-3 दिन पहले मैंने काफ़ी नींबू इसमें से तोड़ लिए थे, जो कि मेरे पे अभी भी रखे हुए हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए कितने सारे नींबू हैं और कितने अच्छे लग रहे हैं, इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। घर के नींबू उगाए हुए जो अपने घर पे होते हैं, उनकी बात ही अलग होती है, मार्केट से तो आप कंपेयर कर ही नहीं सकते हैं। एक खुशी भी मिलती है और अच्छा भी लगता है खुद को कि अपने अपने घर में नींबू उगाए हुए हैं। तो होप करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।
तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।